हेलो दोस्तों, ये है माय हेड इमेज एंटायरली फीमेल डीमन विलन्स का एपिसोड 41। सो पहले एक बार तुम लोग सब मुस्कुरा दो, उसके बाद चलो हम अपना एक प्यारा सा वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि इस एपिसोड में हम गॉडेसेस ऑफ लॉयल्टी एलिना के बचपन के बारे में जानने वाले हैं कि उसका बचपन कैसा था, उसने अपने बचपन में कितनी दिक्कतों का सामना किया और बाकी की चीजें जो तुम वीडियो में आगे जानने वाले हो। ओके तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिना एक जगह पर बैठकर रो रही होती है और कुछ लोगों की बैकग्राउंड में से आवाज आ रही होती है जो उससे कह रहे होते हैं कि ये लड़की अगली गॉडेसेस ऑफ लॉयल्टी नहीं बन सकती क्योंकि इसकी बॉडी में से डीमन वाला ऑरा निकल रहा है। हाँ, और उसने मुझ पर भी अटैक किया था कुछ टाइम पहले। ये लड़की एक गॉडेसेस बनने के लायक नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। एंड गाइस, तुम लोगों को बता दूं कि एलिना ने ये सब खुद नहीं किया, उसके अंदर जो डीमनेस ऑफ बिट्रेयल है एलिना, उसने ये सब उससे करवाया था और एलिना की वजह से ही एलिना ने लोगों पर हमला किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया। एंड इसी वजह से जो एलिना है वो सोच रही होती है कि वो सब मुझसे नफरत करते हैं। एंड वो बहुत ज्यादा रो भी रही होती है, लेकिन तभी कोई उससे कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम एक गॉडेसेस बनने के लायक हो। एंड गाइस, ये होती हैं लॉर्ड गॉडेसेस ऑफ क्रिएशन। एंड जो गॉडेसेस ऑफ क्रिएशन है वो कह रही होती हैं कि इस दुनिया में डार्कनेस एंड लाइट दोनों हैं और ये दोनों ही एक ही बॉडी में हैं, जिसकी वजह से ये इस बच्ची को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो लॉर्ड गॉडेसेस ऑफ क्रिएशन से कह रहे होते हैं कि आपको एक और बार इस बारे में सोचना चाहिए, इस लड़की से भी अच्छे कैंडिडेट होंगे। तभी दूसरा इंसान कहता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा लॉर्ड गॉडेसेस ऑफ क्रिएशन, एक गॉडेसेस के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या होगा अगर इस बच्ची ने अपना कंट्रोल खो दिया और ये एक इवल स्पिरिट बन गई। सो जो लॉर्ड गॉडेसेस ऑफ क्रिएशन है वो कहती हैं कि मैंने ये तय कर लिया है कि यही बच्ची अगली गॉडेसेस ऑफ लॉयल्टी होगी। एंड हम देखते हैं कि लॉर्ड गॉडेसेस ऑफ क्रिएशन का एक बच्ची हाथ पकड़े हुए है एंड ये और कोई नहीं सिल्वी है। एंड सिल्वी मुड़कर एलिना को देखती है एंड फिर यहीं पर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि जो एलिना एंड सिल्वी है वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। एंड सिल्वी एलिना से कह रही होती है कि एलिना तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो, तुम डार्कनेस एंड लाइट को दोनों को कंट्रोल कर सकती हो। सो जो एलिना है वो कहती है कि सिस्टर सिल्वी, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस एबिलिटी की वजह से जो लोग हैं वो मेरी बुरा ही करते हैं सिर्फ। सो जो सिल्वी है वो एलिना से कहती है कि उन लोगों की बातों को अपने दिल पर मत लिया करो एलिना। सो एलिना है वो कहती है कि उस डार्क पावर की वजह से वो सब मुझे एक मॉन्स्टर समझते हैं। लेकिन तभी सिल्वी अपने माथे का निशान एलिना को दिखाते हुए कहती है कि वो कहते हैं सो क्या हुआ, देखो मेरे माथे पर, हम दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। उन लोगों की बातों को अपने दिल पर लेना छोड़ दो, तुम वो हो जो तुम हो। एंड फिर सिल्वी एलिना से कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फ्यूचर में क्या बनोगी, तुम हमेशा मेरी प्यारी छोटी बहन रहोगी। एंड तभी यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कोई कह रहा होता है कि देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, जो चीज मैटर करती है वो ये है कि तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचती हो। एंड हम देखते हैं कि ये प्यारी सी बात वो चैन होता है जो कि एलिना से कह रहा होता है। एंड वो चैन फिर से एलिना से कहता है कि जब दूसरे तुमसे कुछ बुरा कहें तो उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दो और अपना सिर झुकाकर नहीं बल्कि उठाकर उस हर एक चीज को फेस करो जो तुम्हारे रास्ते में आती है, और तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा एलिना, तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो अब से। एंड फिर यहाँ पर सीन बदलता है और हम एलिना एंड सिल्वी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर सिल्वी एलिना से कह रही होती है कि क्या हुआ एलिना तुम्हें, आखिर तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रही हो, मुझे बताओ एलिना कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिना है वो रो रही होती है एंड अपने मन में सोच रही होती है कि ये सारी मेरी गलती है, ये मेरी गलती है कि मैं भूचन के साथ प्यार करने लगी ये जानते हुए कि वो सिस्टर सिल्वी का फियांसी है। एंड उसके बाद जो एलिना है वो फिर से काले अंधेरे में चली जाती है एंड सोच रही होती है कि आपने हमेशा मेरे अच्छे के बारे में सोचा सिस्टर सिल्वी, लेकिन मैंने फिर भी ये सोचा कि आप भूचन के साथ ब्रेकअप कर लो, प्लीज मुझे माफ कर दो सिस्टर सिल्वी। एंड तभी फिर वो काला अंधेरा धीरे धीरे हटने लगता है एंड फिर हम देखते हैं कि जो एलिना है वो बेहोश थी और अब उठ गई है एंड वो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है एंड कहती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। एंड वो जैसे ही सिल्वी को देखती है सो कहती है कि सिस्टर सिल्वी, एंड जैसे ही वो उठती है पूछती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और भूचन कहाँ है। सुशियायुन कहती है कि वो लड़का देखो वो रहा, उसे सजा मिली है कि वो आराम से बैठे रहे एंड उस टब को अपने ऊपर रखे रहे।
एंड तभी सिल्वी कहती है कि अब तुम उठ सकते हो। एंड सिल्वी के एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं कि वू चैन को ये सजा सिल्वी ने ही दी है। तभी एलिना सिल्वी से कहती है कि सिस्टर सिल्वी, आपको वू चैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सो तभी सिल्वी कहती है कि मैं ये उसी के भलाई के लिए कर रही हूँ। एंड फिर सिल्वी कहती है कि मुझे सब कुछ पता है जो चीजें इसने तुम्हारे साथ की है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती और उसे ऐसा कर तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तभी एलिना कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वू चैन से कभी भी गुस्सा नहीं थी, और सजा देने के बजाय मैं तो उसकी तारीफ करना चाहूंगी क्योंकि सिस्टर सिल्वी आपके अलावा कुछ ज्यादा लोग नहीं थे जो मुझे समझते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया और ये काफी है मेरे लिए। एलिना की बात सुनकर सिल्वी कहती है कि एलिना तुम कितनी अच्छी हो। एंड फिर वो वू चैन को बुलाती है। सो वू चैन कहता है कि मैं आ रहा हूँ। एंड फिर सिल्वी वू चैन से पूछती है कि क्या शिया युएन ने तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग्स तैयार कर दी हैं? अगर वो रिंग्स बन गई हैं तो तुम वो एलिना को क्यों नहीं दे देते और उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? सो तभी वू चैन कहता है कि लेकिन वो रिंग्स मैंने तो तुम्हें देने का वादा किया था। सो सिल्वी कहती है कि ऐसा रहने दो, मैं तब तक इंतजार कर लूंगी जब तक तुम दूसरी डीमनेस के साथ पार्टनरशिप में आओगे, यानी कि उसके साथ शादी करोगे। तभी एलिना कहती है कि नहीं सिस्टर सिल्वी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कितने टाइम से वू चैन को ढूंढ रही हैं और मैं। बट तभी सिल्वी कहती है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन की बात माननी चाहिए एलिना। लेकिन तभी शिया युएन कहती है कि तुम दोनों इतनी प्यार भरी बातें करना बंद करो, जो रिंग्स हैं वो अभी तैयार नहीं हुई हैं। एंड फिर शिया युएन कहती है कि अगर गॉड क्लास लेवल के लोग हम जैसे लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट यानी कि शादी करना चाहते हैं तो हमें ऐसा करने के लिए गॉड टियर वेडिंग रिंग्स की जरूरत होगी, लेकिन ऐसी रिंग्स को तैयार करने के लिए दोनों ही पार्टनर की पावर सेम होनी चाहिए और जैसा कि उनका प्यार होता है। और अगर तुम्हारे पास इस तरीके का लड़का है जिसने मेरे साथ बहुत ही कम टाइम बिताया जब से हमारी शादी हुई है, इसीलिए हम दोनों का कनेक्शन अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है कि मैं वेडिंग रिंग को तैयार कर पाऊँ। शिया युएन की बात सुनकर एलिना एंड सिल्वी थोड़ा सोचती हैं। एंड फिर सिल्वी कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है वू चैन, आखिर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ इस तरीके का बिहेव कैसे कर सकता है। तभी एलिना भी कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा सिस्टर सिल्वी, मुझे सिस्टर शिया युएन के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है वू चैन, तुम्हें सिस्टर शिया युएन के साथ और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। एंड तभी अचानक शिया युएन वू चैन को पकड़ लेती है एंड कहती है कि तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा वू चैन, हम दोनों को एक साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, चलो हम दोनों किसी और कमरे में चलते हैं। एंड सिस्टर सिल्वी एंड एलिना को यहाँ पर बात करने के लिए छोड़ देते हैं। एंड फिर वू चैन एंड शिया युएन वहां से जाने लगते हैं। तभी सिल्वी कहती है कि रुको, तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो उसकी बात सुनकर वू चैन तो घबरा जाता है, लेकिन जो शिया युएन है वो कहती है कि चलो वू चैन, अब हम यहाँ से चलते हैं, मैं गेम में एक खतरनाक गद्दार को हरा नहीं पा रही हूँ, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि मैं उसे कैसे हरा सकती हूँ। एंड फिर जो सिल्वी है वो कहती है कि एलिना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुमने इस लड़के में ऐसा क्या देखा जो तुम इससे इतना ज्यादा प्यार करने लगी। सो एलिना कहती है कि ये लड़का मुझे बहुत ख्याल रखता है और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट भी करता है, ये अपनी बातों का पक्का है और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ज्यादा जेंटल भी है, और इसके अलावा सिस्टर सिल्वी आप भी तो इससे इसी वजह से प्यार करती हैं बहुत ज्यादा। सो तभी सिस्टर सिल्वी थोड़ा शर्मा जाती है। एंड तभी जो एलिना है वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि हम दोनों शुरुआत से ही एक ही लड़के को पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि मैंने अपना ये रिलेशनशिप आपके साथ छुपाने की भी हिम्मत की, और डीमनेस ऑफ बिट्रेयल के बारे में तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ सिस्टर सिल्वी, क्योंकि आपने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया। सो सिल्वी एलिना की बात सुनकर उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि इतने हजार साल होने के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदली एलिना, तुम सारी की सारी गलतियों को अपने ऊपर ही ले लेती हो। हाँ, हमें पुरानी हर एक बात को भूल जाना चाहिए, आखिर हम दोनों हमेशा से ही बहुत अच्छी बहनें हुआ करती थी। सो सिल्वी की बात सुनकर जो एलिना है वो थोड़ा मुस्कुरा जाती है। सो सिल्वी एलिना से पूछती है कि आखिर तुम हंस क्यों रही हो। सो एलिना सिल्वी को बताती है कि सिस्टर सिल्वी, आपने बहुत टाइम से मेरे सिर पर अपना हाथ नहीं रखा था। एंड फिर एलिना सिल्वी से कहती है कि सिस्टर सिल्वी, क्या चीजें फिर से पहले जैसी हो सकती हैं जैसी वो हुआ करती थी। तभी सिल्वी एलिना को प्यार से देखती है एंड उसे गले से लगा लेती है, जिससे जो एलिना है वो बहुत काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड सिल्वी एंड एलिना का तो प्यार भरा ये मोमेंट चल ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजा खोलकर उन दोनों को कोई देख रहा होता है, एंड ये होते हैं शिया युएन एंड वू चैन। एंड वू चैन तो काफी ज्यादा रो भी रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये सीन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है।
एंड तभी जो सीआईएन है वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एलिना एंड सिल्वी का इस टाइप का रिलेशनशिप है। सो तभी भूचन कहता है कि आखिर तुम्हें पता ही क्या है, ये कहलाता है प्यार भरा रिलेशनशिप। पर तभी अचानक सिल्वी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों छुपना बंद करो और आखिर तुम लोग यहाँ जा क्यों रहे हो। एंड तभी अचानक वो दोनों गिर जाते हैं। एंड तभी भूचन कहता है कि मुझे अब इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम दोनों फिर से एक साथ नहीं आओगे। सो तभी सिल्वी कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इसमें तुम्हारी कोई भी गलती ना हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की मुझसे इतने सालों तक क्यों अलग रही? हाँ, तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद देखो ये कैसी बन गई है। अगर आज के बाद तुमने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। बट तभी अचानक वूचन मस्त स्टाइल में रोमियो टाइप दांतों में एक फूल चपाकर कहता है कि बिल्कुल मुझे ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी एंड तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना होगा। एंड फिर वूचन कहता है कि तुम देखना मुझे दूसरी ड्यूनर्स के साथ शादी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा एंड फिर उनसे जो वेडिंग रिंग्स बनेंगी उससे हम बहुत ही जल्दी शादी कर लेंगे। सो तभी सिल्वी कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, अब तुमने जो बात कही इसे बिल्कुल अपने दिल में दबा कर रख लो और उसके बाद मैं एलिना को तुम्हारे हाथों में छोड़ सकती हूँ। और शादी की बात सुनकर तो जो एलिना है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। एंड फिर वूचन कहता है कि हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। एंड प्रेग्नेंट वर्ड सुनकर जो एलिना है वो तो मतलब ख्यालों ख्वाबों में डूब ही जाती है एंड सोचने लगती है कि वूचन के बच्चे और साथ में सिस्टर सिल्वी भी, ये तो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। बट तभी अचानक जो एलिना है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से बेहोश हो जाती है। एंड एलिना को अचानक गिरता हुआ देख कर सिल्वी कहती है कि एलिना तुम्हें क्या हुआ। एंड फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि जो सिल्वी है वो एलिना का ख्याल रख रही होती है एंड कहती है कि देखो तो भला इसे। जैसे इसने सुना कि इसकी शिबूचन के साथ शादी होगी एंड इसके बच्चे होंगे ये बिल्कुल बेहोश हो गई। सो तभी शियायुन कहती है कि मुझे लगता है इसे ही कहा जाता है कि आप खुशी में बिल्कुल पागल हो जाओ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये लड़कियां तुम में देखती क्या है वूचन। एंड तभी सिल्वी कहती है कि तुमने देखा कि एलिना तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है और अगर तुमने एलिना का अच्छे से ख्याल नहीं रखा और उसका दिल टूट गया तो उसके दिल और दिमाग पर जो डीमनेस ऑफ बिट्रेयल है एलिना वो बिल्कुल हावी हो जाएगी एंड इसमें पूरी की पूरी तुम्हारी गलती होगी। एंड फिर सिल्वी कहती है कि चाहे कुछ हो जाए ये लड़की हमेशा तुम्हारी साइड रहेगी और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और सिर्फ यही नहीं वो सारी की सारी गॉडेसेस तुम्हारा पीछा कर रही हैं एंड तुम्हें पकड़ने का ट्राई कर रही हैं। तुम्हारे ऊपर तो सच में वूचन प्यार का बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। सो तभी वूचन कहता है कि मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने तुम सबसे इसीलिए शादी की क्योंकि मैं डीमनेस को हराना चाहता था। एंड उसके बाद जो सिल्वी है वो कहती है कि मेरी माँ गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने कितने ही सारे हीरोज को उस दूसरी दुनिया से बुलाया था लेकिन सारी की सारी डीमनेस को हराने में सिर्फ तुम कामयाब हुए वूचन। और मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो और मुझे लगता है कि तुम पहले हमें छोड़कर चले गए और अब वापस आ गए, ये सब लॉर्ड गॉडेसेस ऑफ क्रिएशन की ही मर्जी थी। और मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती कि तुमने हमारे साथ जो किया उससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन आखिर में तुम हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो और सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है वूचन। एंड तभी सिल्वी उठती है एंड कहती है कि अब मुझे जाने में देर हो रही है इसीलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सो वूचन सिल्वी से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। सो सिल्वी कहती है कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, एल्फ क्लैन में कुछ दिक्कतें आ गई हैं जिसे मैं सॉल्व करने के लिए जा रही हूँ। तभी वूचन कहता है कि अगर वहाँ पर हीरोज हुए तो नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी के अभी आ रहा हूँ। सो तभी सिल्वी कहती है कि कहीं तुम मुझे कमजोर तो नहीं समझ रहे हो वूचन, तुम्हें पता तो है ना कि मैं डार्क एल्फ डीमन लॉर्ड हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मुझे कौन सा हीरो हरा पाएगा? तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए एंड दूसरी डीमनेस के साथ शादी करने पर अपना प्लान बनाना चाहिए। और अगर मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ गई तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट जरूर करूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें एलिना का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। एंड यहाँ पर जो वूचन है वो सोच रहा होता है कि सिल्वी मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई चीज तो तुम्हें परेशान कर रही है एंड तुम मुझे इसीलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी जान को उसमें खतरा हो सकता है। मुझे अपनी पावर बढ़ानी होगी जितनी जल्दी मैं बढ़ा सकता हूँ और ऐसा करके ही मैं उन सब की हिफाजत कर पाऊंगा। एक सच्चा मर्द हमेशा अपनी बीवी की रक्षा करता है। एंड फिर हम सिल्वी को देखते हैं जो कि कमरे से बाहर आ गई है एंड वहीं पर होती है लुओली अपने बड़े वाले फॉर्म में। एंड फिर सिल्वी वहां से जाने लगती है। सो जो लुओली है वो कहती है कि तुम्हें पूरा यकीन है सिल्वी कि हमें वूचन को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए, मैंने अपनी आंखों से उसकी ताकत को देखा है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। सो सिल्वी कहती है कि मैं वूचन को ये रिस्क नहीं लेने दे सकती, ये हमारा काम है जो हमें पूरा करना चाहिए। एंड सिल्वी की पावर उसकी बॉडी से बाहर निकल रही होती है एंड तभी सिल्वी अपने एक नए फॉर्म में आ जाती है, यानी कि उसके कपड़े पूरे बदल जाते हैं। एंड फिर सिल्वी कहती है कि काफी वक्त हो गया है जब से मैं सपने हंटर वाले टाइप में आई हूँ, ये कपड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल फिट होते हैं मेरे लिए।
चलो लूली अब हम यहाँ से चलते हैं। एंड ओके यहीं पर जो ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो गाइस तुम लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? आखिर सिल्वी के एल्फ क्लैन में ऐसी क्या दिक्कतें आ गई जो वो बुचन को नहीं बता सकती एंड उसे अकेले ही लुओली के साथ वहां पर जाना है उसको सॉल्व करने के लिए? और ऐसी वहां पर क्या बात है जिसकी वजह से बुचन की जान को खतरा हो सकता है? अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं तो तुम लोग यकीन करोगे कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है? चलो हम लोग आगे के एपिसोड में देख ही लेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो, और अगर कर दिया हो तो क्या कर रहे हो, मुस्कुरा दो एंड टाटा बाय बाय।